गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू टाइम एंड टेस्ट। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। और आज मैं लगा हूँ बनाने गोभी की सब्जी। सिर्फ गोभी की सब्जी सिंपल तरीके से इसे बनाएंगे। तो गोभी जैसी सब्जियों के ऊपर पेस्टिसाइड या केमिकल स्प्रे रहता है, तो इसके लिए सबसे पहले मैंने गोभी को बड़े बड़े टुकड़ों में कट करके हल्के गुनगुने पानी में नमक डाल के करीब आधा घंटे के लिए रख लिया था। तो अभी ये पानी में ही डूबी हुई है, तो इसको निकाल के इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे और इसका फिर तड़का लगाएंगे। तड़का सिंपल सा रखेंगे, इसमें सिर्फ प्याज डालेंगे, लंबे लंबे उनको कट कर लिया है। हरी मिर्च, अदरक और लहसुन, इनको भी बारीक कट कर लें। लहसुन को मैंने हाथ से ही क्रश कर लिया था, इससे उसका जो फ्लेवर है काफ़ी अच्छा आता है। हरा धनिया गार्निश करने के लिए, इसे भी मैंने पहले ही बारीक कट करके रख लिया है। तो मस्टर्ड ऑयल में इसे कुक करेंगे। मस्टर्ड ऑयल मैंने कुक गर्म होने के लिए रखा है कढ़ाई में, तो उसे खूब अच्छी तरह गर्म करेंगे उसमें धुआं आने तक। कढ़ाई में तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें डालते हैं जीरा और मेथी का तड़का। मेथी और जीरा जैसे ही ब्राउन होंगे इसमें डाल देंगे प्याज। प्याजों को सिर्फ हल्का सा तलना है इसमें, साथ इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन को, इनको भी ज़रा सा तलना है, भुनेंगे नहीं इसे। लो टू मीडियम फ्लेम रखें और इसमें मैंने इनको अभी तलना है। कश्मीरी लाल मिर्च डाली है मैंने इसमें, ऑप्शनल है आप डालना चाहें तो, क्योंकि इसमें हम हरी मिर्च भी डालेंगे, कुटा हुआ धनिया और हल्दी पाउडर। मिक्स कर लिया इसे मैंने, अब इसे ज़्यादा नहीं भुनेंगे। हल्दी ज़्यादा हाई फ्लेम पर ना डालें क्योंकि जल जाती है ये। तो अब इसमें डालते हैं गोभी। गोभी को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, गोभी मिला दिया है इसमें। क्योंकि नमक वाले पानी में डाल के थोड़ा सा इसमें खारापन रहता है, तो जब नमक डालेंगे तो स्वाद के अनुसार थोड़ा कम डालें, क्योंकि पहले से ये नमकीन होगी। तो 1 से 2 मिनट तक ही मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करके चलाएं और फिर से हम कवर करके ढक करके पकाएंगे 5 से 6 मिनट तक मीडियम से हाई फ्लेम पर। गोभी पकने में वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लेती, तो जल्दी पक जाएगी। तो अभी इसमें नमक डालते हैं। नमक मिला दिया है अच्छे से। दोस्तों, गोभी की सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है, अच्छे से ये गल चुकी है। गार्निशिंग करते हैं हल्दी के साथ, तो ट्राई करें, इजी सी रेसिपी है। और कमेंट करके बताएं कैसे लगी आपको ये रेसिपी। I hope like you like this video and thank you for watching.